उत्तरी केरल के एक कस्बे में कुछ लोग इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। कन्नूर में एक स्थानीय परिधान यूनिट के सैकड़ों दर्जी पिछले 8 सालों से पूरी लगन के साथ इसराइल पुलिस बल की वर्दी सिल रहे हैं। जी हाँ, इसराइल के सैनिकों और प्रशासन द्वारा पहने जाने वाली यूनिफॉर्म इंडिया के केरल से बनकर जाती है। नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वर्ल्ड। इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर भारत के केरल राज्य में राजनीतिक दलों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन उत्तरी केरल के एक कस्बे में कुछ लोग इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। गाजा चरमपंथी समूह हमास के हमले के पहले से और अब तक भी, न्यूज एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कन्नूर में एक स्थानीय परिधान यूनिट के कुछ हजारों दर्जी पिछले 8 सालों से पूरी लगन के साथ इसराइल पुलिस बल की वर्दी सिल रहे हैं। कन्नूर जिला जितनी अपनी राजनीति के लिए प्रचलित है, उतना ही अपने हैंडलूम और टेक्सटाइल उत्पादन के लिए भी है। इसराइल पुलिस की हल्के नीले रंग की लंबी आस्तीन वाली वर्दी आपने देखी होगी कुछ पिक्चर्स में। इसके पीछे कन्नूर के मैरिन अपेरल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के दर्जी और कारीगर हैं। इस कंपनी के मालिक हैं थॉमस ओलिकल। वो इडुक्की जिले के एक कारोबारी हैं, अब मुंबई में रहते हैं। उनकी कंपनी में इस वक्त 1500 से ज़्यादा प्रशिक्षित कर्मचारी काम करते हैं। 2006 में कंपनी लॉन्च हुई थी। ये दुनिया भर में अलग अलग देशों की सेना के जवानों, पुलिसकर्मियों, सुरक्षा अधिकारियों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों की वर्दी बनाने में माहिर है। इसके अलावा स्कूल की वर्दी, सुपरमार्केट कर्मचारियों के लिए ड्रेस, डॉक्टरों के कोट, कवरऑल, कॉर्पोरेट परिधान वगैरह भी बनाए जाते हैं इस कंपनी में। कन्नूर में ये इकाई खोली ही इसी मकसद से गई थी कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। थॉमस ने पीटीआई को बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद भी इसराइल पुलिस ने उनसे बात की है और ज़्यादा वर्दियों का ऑर्डर दिया है। कहा कि उन्होंने इस साल से एक नए खेप के लिए ऑर्डर दिया है और पहली खेप दिसंबर तक आ जाएगी। एक मलयालम समाचार चैनल को थॉमस ने बताया कि हम पिछले 8 सालों से इसराइल पुलिस को सालाना 1 लाख वर्दी बेचते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इसराइल जैसे टॉप लेवल पुलिस बल के लिए वर्दियाँ बनाते हैं। थॉमस ने कहा कि इसराइल पुलिस को पता चला कि वर्दी बनाने में उनका हाथ अच्छा है तो उन्होंने उनकी कंपनी से संपर्क किया। इजरायली अधिकारी सप्लाई को लेकर बहुत सजग रहते हैं। स्टॉक तभी लेते हैं जब क्वालिटी 100% हो।